श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से संबंधित जानकारी के भाग 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका श्री गणेश हो चुका है। मंदिर निर्माण कार्य में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंदिर बनाने में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुरुआत में मंदिर बनाने में 1800 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब यह राशि बढ़ने की उम्मीद है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन कर मंदिर निर्माण की लागत तय की गई, इसके बाद से दुनिया भर में राम भक्तों ने दान दिया व समर्पण नीति एकत्रित की गई। वह दान इतना था कि बैंक में जमा रुपयों के ब्याज से ही राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश दुनिया के 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब राम भक्तों ने समर्पण निधि इकट्ठा की तो लक्ष्य से करीब 4 गुना ज़्यादा रकम 3500 करोड़ रुपए एकत्रित हुए, जो कि लगभग 18 करोड़ राम भक्तों द्वारा दिया गया दान है। वहीं अब तक यह राशि 5500 करोड़ रुपए पहुँच चुकी है। ट्रस्ट ने रुपयों को बैंकों में जमा कर इसकी FD करा दी। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का नाम शामिल है, जिसके ब्याज के पैसे से ही अब तक का निर्माण कार्य हो चुका है और प्रथम तल बनकर तैयार है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।